नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस में। मैं एजे आपको स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सी जॉब बेटर है। देखिए NTPC और UPSI दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि आप दोनों ही एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और यदि आप कोई एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हम आज इस वीडियो में सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कितनी किसको सैलरी मिलती है, कौन किसके क्या काम होते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सी जॉब हमें ज्वाइन करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले भैया, और प्लीज़ शेयर कर दिया करिए वीडियो। शेयर कर देंगे तो मतलब थोड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब कि फैमिली थोड़ा मतलब अच्छा काम, क्योंकि फैमिली में सब लोग मिलकर काम करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं भाई स्टेशन मास्टर और UPSI। ठीक है, UPSI आप जानते हैं जो यूपी की वैकेंसी है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। लगभग 5600 के आसपास पद आने वाले हैं, बात ये हो रही, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि जो रेलवे है उसमें जो 35,000 पद हैं, ठीक है, और इसमें क्या है लगभग 5600 पद हैं। अब ये 5600 पद ज़्यादा हैं क्यों, क्योंकि ये स्टेट में है और ये ऑल इंडिया इसमें फाइट करनी होती है, ठीक है, ओके। ये हमारा चैनल है, ये हमारा पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग बात करते हैं कौन सी जॉब बेटर है। देखिए दो जॉब है आपके सामने, एक तो हो गई NTPC, ठीक है, दूसरी हो गई SI। तो यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, एक जो लोग जिनको केवल ऑफिस जॉब चाहिए होती है वो NTPC की तरफ जाते हैं, और जिनको ऑफिस जॉब प्लस थोड़ा सा पावर चाहिए होता है वो यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। देखो दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, जरूरी नहीं सभी लोगों को हिंसा पसंद हो, ठीक है, सभी लोगों को दूसरे के पचड़े में पाँव डालने की आदत हो, सबको पसंद नहीं होता। सबको ये भी पसंद नहीं होता कि हम समाज में जाकर ज़्यादा जा करके इंटरफेयर करें, ठीक है, ये भी पसंद नहीं होता। हर वैरायटी के लोग, अब देखिए हमारे देश में बहुत वैरायटी लोग हैं, कुछ क्या बोलते हैं फिल्म स्टार बनते हैं, कुछ पॉलिटिशियन बनते हैं, कुछ का बोलते हैं कि सिंगर बनते हैं, कुछ ड्रमर बनते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो किसी को NTPC पसंद आता है और किसी को क्या पसंद आती है, सब इंस्पेक्टर। अब किसे ये जॉब करनी चाहिए, सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति को, पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए दोनों की जो सैलरी पे स्केल है वो लगभग समान है, पर यदि NTPC की आप बात करेंगे तो NTPC में अलाउंसेस बहुत मिलते हैं। अलाउंसेस के बाद मतलब यदि मान लो कि आपकी 8 घंटे की शिफ्ट लगती है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, और UPSI में जो है उसमें कोई डेट नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, 15 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, जितना आप देखिए। मेन बात है यहाँ पर हाई सैलरी भी, सैलरी की भी हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सैलरी होती है, ठीक है, यहाँ की सैलरी जो होती है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो सैलरी होती है ना वो लगभग 35,000 दोनों में होती है, यहाँ पर भी 35,000, यहाँ पर भी 35,000। पर ज़्यादा ज़्यादा कौन कमा लेता पहले ये देखते हैं, ठीक है। देखिए यदि हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो NTPC में आपको अलाउंसेस मिलते हैं, यानी वहाँ पर घंटा जो होता है, यदि मान लो कोई ट्रेन में आप बैठे हुए हो या फिर ट्रेन में सफ़र कर TT मान लो बन जाते हो, और यदि ट्रेन में सफ़र करो ट्रेन रेल डिले हो रही है और 8 घंटे की शिफ्ट आपको कवर हो गई, तो 8 घंटे के जैसे 9 घंटा होगा ना आपका ओवर टाइम शुरू हो जाएगा। ओवर टाइम मतलब 1 घंटे का लगभग वो देखते हैं शायद 1,000 रुपये, 1,100 रुपये ऐसे कुछ मिलता है उनको, ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसे कुछ मुझे लग रहा था, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा बनती है। नहीं इतना मिलता होगा तो 400-500 रुपये तो पर घंटे मिलता ही मिलता है। आपने सुना होगा कि सैलरी तो उसकी 35,000, मगर इस महीने की जो सैलरी बन के आई वो लगभग 70,000 के आसपास बन के आई है, किसी की 50,000 बन के आती, किसी की 60,000 बन के आती। मैंने सुना क्या मेरे दोस्तों में जिनकी सैलरी 93,000-93,500 रुपये भी आती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सैलरी का स्कोप बहुत है, ठीक है, सैलरी बहुत है, प्लस जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्लैक मनी यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो जाती है, ब्लैक मनी हर जगह इन्वॉल्व होगी, ठीक है। मतलब आप यदि मान लो TT हो तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। मेरे एक मतलब मित्र हैं जो मतलब अभी जम्मू में पोस्टेड हैं, तो उनकी सैलरी तो अलग है और प्लस वो इतना इनकम ऊपर से कमा लेते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। उसको मैं रिवील नहीं करूँगा, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं, वो सबकी मानसिकता होती है ना। देखिए जैसे मान लो हम लोग कुछ लोग होते हैं जो मतलब फ्री में भी काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी मानसिकता होगी कि हाँ हम समाज के लिए काम करें, अच्छे काम करें, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि आप NTPC में जाकर के अच्छे काम नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी रह करके अच्छे काम कर सकते हैं, ठीक है, आप UPSI में जाकर भी अच्छे काम कर सकते हैं। तो दोनों की यदि सैलरी कंपेयर किया जाए तो लगभग सेम है, यहाँ पर सैलरी एक्स्ट्रा बनती है, पर UPSI के बारे में थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, UPSI जैसे आपको पता है कि आप सीधे समाज से कनेक्ट होते हैं और समाज में जितना पैसा है ना उतना के, देखो मैं मतलब यहाँ करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी बात को समझिए, आप यदि जानना चाहते हैं बस मैं वो बता नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा है, ठीक है, मतलब आप समाज से ये मान के चलो कि कितना भी पैसा उठा सकते हो। सीधा से एक एग्जांपल देते हैं, एक गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में से 2 लोगों में भिड़ंत हो गई, अब ये 2 लोगों में से 1 लोग चले गए पुलिस के पास, अब जब पुलिस के पास आएंगे तो पुलिस हमेशा ट्राई करती है कि सुलह हो जाए, अब सुलह होने के लिए ये जब ये वाला आदमी जाएगा तो ये वाला पहुंचेगा पीछे से कि भैया इतना ले लो और मैटर सुलझाओ, तो ये फिर पुलिस वाले फिर जानते ही हो कि मतलब कन्वर्सेशन चलता है, हम मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ मगर ऐसा होता है, ठीक है, कोई भी मना क्यों ना करे मगर ऐसा होता है, ठीक है, ये मतलब होता ही है, मैंने देखा है, सीधी सी बात है, तो मतलब पीछे से आकर के लेन देन करके मैटर सुलटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो कमाई होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना मतलब होता है। तो सैलरी के परपेस में देखा जाए तो दोनों ही ठीक है, पावर के परपेस में देख ले, NTPC के पास NTPC पर एक सीमित पावर है, NTPC के पास ज़्यादा पावर्स नहीं मिलेंगी आपको, मतलब एक नॉर्मल सी नौकरी, 8 घंटे ड्यूटी में आप क्या मतलब कंपेयर करेंगे, तो एक नॉर्मल सी टाइम ड्यूरेशन है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल कूद सकते हैं, मतलब आप फैमिली सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, पर जब आप UPSI में जाएंगे ना आपका सोशल लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, पर इसमें पावर बहुत होती है। IPC में एक धारा में मैंने पढ़ा है, वहां पर लिखा हुआ है कि जो SI होता है ना सब इंस्पेक्टर, वो राजा होता है, राजा मतलब इसके पास इतनी पावर होती है किसी भी एक व्यक्ति को उठा करके वो 3 महीने के अंदर उठा के बंद कर देगा और पूछेगा भी नहीं, और इस समय जैसे मान लो कोरोना वायरस चल रहा है तो इस समय तो वो किसी को भी उठा के धर सके, यदि दुश्मनी निकाल ली किसी को उठा करके अंदर फेंक दो निकलेगा ही नहीं, तो इसके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये सीधे समाज से कनेक्ट होता है, ये अपनी दुश्मनी, बहुत लोग तो SI बनना इसलिए चाहते हैं, DSP इसलिए बनना चाहते हैं कि अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हो, रिवेंज का भी एक माध्यम बनता जा रहा है, ये बनता जा रहा है मतलब अभी पॉलिटिक्स पुलिस वुलिस क्यों ज्वाइन करता है कि कुछ रिवेंज भी पीछे कहानी होती है, आपने सुना होगा UP की धरती से हमेशा IAS PCS ऑफिसर निकलते हैं, रीज़न ही है पीछे रिवेंज कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, ओके, ठीक है, सैलरी सेम है, पावर की बात हो गई और क्या बोलते हैं जॉब प्रोफाइल की बात हो गई, जॉब प्रोफाइल लगभग सेम ही है, ये बस ये है कि यहाँ पर डिसेंट टाइम होता है, उसके बाद आपको ओवर टाइम मिलना चाहेगा, और सबसे अच्छी बात बता दूँ, यदि जब आपकी 8 घंटे ड्यूटी लग जाएगी ना तो अगले 8 घंटे की जो ड्यूटी लगेगी ना उसके बीच में जो ड्यूरेशन होगा ना वो 16 घंटे का होगा, सबसे अच्छी बात है, मतलब ये नहीं कि 8 घंटे खत्म हुए 2 घंटे का गैप फिर 8 घंटे, नहीं ऐसा नहीं, 16 घंटे से पहले पहले वो आपको कभी नहीं बुलाएंगे, 16 घंटे जैसे कंप्लीट होगा फिर उसके बाद 8 घंटे की आपकी ड्यूटी, ये बहुत अच्छा है, मतलब एक अच्छा रेस्ट मिलता है। UPSI में क्या है, UPSI में कोई रेस्ट नहीं, पता चला आप रात में 2 बजे सो रहे हो आपका फोन बजा तो आपको क्या जाना ही पड़ेगा, कोई केस हो गया, कोई मर्डर हो गया या फिर चोरी हो गई, कुछ भी हो गया तो आपको वहां पर जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपकी सोशल लाइफ यहां पर डिस्टर्ब होती है। पर एक लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा, यदि आपको पावर पसंद है, क्या पसंद है, यदि आपको पावर पसंद है तो आप UPSI ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर फीमेल्स के लिए भी थोड़ी मतलब चॉइस होती है, फीमेल्स भी यहाँ पर ज्वाइन करती है, ऐसी बात नहीं, फीमेल्स को भी पावर पसंद होती है, बट फीमेल्स कुछ फीमेल्स को बहुत डेडिकेशन होता है कि हाँ UPSI बनना है, और उन्हें बनना भी चाहिए क्योंकि समाज में आज महिलाओं का बड़ा मतलब मतभेद चल रहा है, ठीक है, महिलाओं को सीटें नहीं मिल रही है, महिलाएं आ ही नहीं पा रही आगे, तो उनको यहाँ पर भी आना चाहिए, यदि एक एक महिला UPSI होगी तो वो समाज की ज़्यादा अच्छे से समस्या को समझ पाएगी, नहीं इंसान यानी पुरुष की समझ पाएगी तो महिला की तो समझ ही पाएगी, ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए। पर NTPC भी महिलाओं के लिए बुरा नहीं, NTPC बहुत अच्छी जॉब है, ऑफिस जॉब होती है, 8 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है, अच्छी सैलरी पैकेज होती है, तो यहां पर भी आपका, बट जो लड़कों का क्रश होता है वो NTPC और UPSI दोनों पे होती है, इसलिए यदि आप NTPC और UPSI सोच रहे ना तो मैं तो कहूंगा कि आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए, अब जस्ट सिलेबस की बात कर लेता हूं, दोनों कंबाइन करके तैयारी करिए, दोनों में सिलेक्शन हो जाए, आप फिर आप बैठ कर चॉइस करिए, फिर क्या बोलते हैं ईट बीट सीट टुका दुनियादारी गिनती गिनिए किसमें जाना है, ठीक है। अब बात करता हूं सिलेबस की, देखिए दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, सिलेबस क्या है,
लगभग सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर भी जीएस आती, यहाँ पर भी जीएस आती, यहाँ पर भी मैथ आती, यहाँ पर भी मैथ आती, यहाँ पर भी रीजनिंग और यहाँ पर भी रीजनिंग आती। बस यहाँ पर एडिशनल एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है, वो है हिंदी, और यहाँ पर बस तीन ही सब्जेक्ट रहते हैं। अब जीएस में, अब यहाँ पर जब जीएस पढ़ेंगे तो यहाँ पर आईपीसी आपको पढ़नी पड़ेगी, बस एक्स्ट्रा ये हो गया। तो दो सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, पर यहाँ पर जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, दुनियादारी सब पढ़नी पड़ेगी। मैथ सिलेबस सेम है, रीजनिंग सिलेबस सेम है, तो सारा सिलेबस सेम है। तो आप चाहे तो आप एनटीपीसी और यूपीएसआई दोनों को साथ लेकर चल सकते, दोनों ही बढ़िया जॉब पे हैं। जब भी आप इसमें सेलेक्ट होंगे ना, तो भैया गिरी हालत में 50,000 सैलरी तो होनी होनी, गिरी हालत में बता रहा हूँ, 35,000 तो ऑन हाथ दोनों पे मिलेंगे मिलेंगे। उसके एडिशनल भी बहुत सी चीज़ें होती है, अलाउंसेस होते हैं, मेन बात है 35,000 मिलने पर अलाउंसेस होते हैं, मतलब आप यदि यूपीएसआई में सेलेक्ट होंगे तो आपके अंडर में कांस्टेबल होंगे, एसआई होगा, यदि एनटीपीसी में सेलेक्ट होंगे तो आप हेडमास्टर होंगे या फिर टीटी होंगे, आपके अंडर में कुछ कर्मचारी होंगे, आपके अंडर में भी कुछ पावर होगी। तो दोनों में ही पावर का जज्बा है, दोनों में ही ठीक है, सैलरी पैकेज भी बढ़िया है, आप चॉइस कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा, मैं तो सीधा सलाह दूंगा, दोनों तो सिलेबस सेम है, आप दोनों को साथ लेकर चलिए फर्स्ट क्लास, और दोनों में सिलेक्शन लिए, दोनों का एग्जाम इसी साल होना है। और मैं तो कहूँगा सभी का सिलेक्शन, हमारी फैमिली से तो सभी का होना चाहिए, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने, मुझे लगा कि कंपेयर करके दिखाना चाहिए कि हाँ कौन सा बेटर है, कि हेड कॉन्स्टेबल बेटर है, यूपीएसआई, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है। आप जो चाहे आप ज्वाइन करें, थैंक यू सो मच।